हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल नरेश जोशी को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नमस्ते सर, मेरा नाम अभिषेक है और मैं आपका सर बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके जो यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं उसके थ्रू मेरे को काफ़ी सपोर्ट मिला मेरे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग सब्जेक्ट में, और आपकी वीडियोज़ के थ्रू मेरे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो पाए और काफ़ी सपोर्ट मिला। तो सर उसके लिए धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में मेरा रिजल्ट आया और मैंने काफ़ी अच्छे मार्क्स के साथ जो है अपने सेमेस्टर को क्लियर किया। उसके लिए आपके सपोर्ट के लिए, आपकी वीडियोस के लिए सर बहुत धन्यवाद करता हूँ, और जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और जो है मैं रिकमेंड करता हूँ बाकी जो लोग हैं कि आप सर का वीडियो देखें और अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नरेश जोशी चैनल। फ्रेंड्स, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आरएफ डिज़ाइन का टॉपिक है, जिसमें हमारा छब्बीसवें फिल्टर का डिज़ाइन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे हम छब्बीसवें फिल्टर को डिज़ाइन करते हैं बाय यूजिंग द इंस्टेंशन लॉस मेथड। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखना है, ध्यान से देखना है, तो आपके सभी जो डाउट्स हैं, कंसेप्ट हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, आप अगर वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे तो आपको हर चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। ठीक है, मैं मेरी ओर से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक हर चीज़ आपको समझ में आए। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, जो मैं स्टेप्स यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ वही स्टेप आपको एक फॉलो करना है एग्जाम में। कोई भी न्यूमेरिकल किसी भी टाइप का आ सकता है, देखो यहाँ पे कोई फिक्स नहीं रहता है कि न्यूमेरिकल यही आए। ठीक है ना, बस आपको जो मैं बता रहा हूँ वो पैरामीटर आपको पकड़ना है और उसे फॉर्मूले में पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है, मैंने पिछली काफ़ी सारे वीडियोस मैंने डीटीएससी पे बनाया हूँ, जिन्होंने पहले अगर आप किसी फ्रेंड से मैंने देखे हो तो उनको काफ़ी अच्छा समझ में आया है, और उसी बेस पे मैं आपको यहाँ पे आरएफ डिज़ाइन के वीडियो भी बना रहा हूँ। ठीक है, तो चलो आइए स्टार्ट कर लेते हैं, देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिज़ाइन अ 3 dB इक्विरिपल। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में इक्विरिपल दिया, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे इक्विरिपल दे वो एग्जाम में 26 भी दे सकता है। ठीक है ना, इसके लिए यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने 26 लिखा है। ठीक है ना, अब एग्जाम में कोई जरूरी नहीं वहाँ पे 26 लिखा होगा, वहाँ पे सिर्फ इक्विरिपल लिखा आ सकता है या फिर सिर्फ 26 लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। तो डिजाइन है 3 dB इक्विरिपल, 26 इक्विरिपल इन ब्रैकेट 26 लो पास फिल्टर विथ अ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 GHz, 50 ओम इम्पीडेंस लेवल, एटलीस्ट 15 dB इंसर्शन लॉस एट 3 GHz। क्लियर, तो ये हमारे पैरामीटर गिवन है क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल। ठीक है, तो चलो हम पहले क्या क्या गिवन है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है ना, क्या क्या है, तो सबसे पहले हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC गिवन है। ठीक है ना, ये हमारी क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC इक्वल्स टू कितना हो गया, 2 GHz। क्लियर, उसके बाद हमारा इम्पीडेंस गिवन है। ठीक है ना, इस यहाँ पे हम इम्पीडेंस को RG से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा इम्पीडेंस है RG इक्वल्स टू 50 ओम। क्लियर, ये हमारा सेकंड पैरामीटर गिवन है। थर्ड पैरामीटर हमारा क्या गिवन है, इंसर्शन लॉस गिवन है। ठीक है, इंसर्शन लॉस इसको हम क्या बोलेंगे, IL, और IL आपका किस में गिवन है, dB में गिवन है। ठीक है ना, तो ये आपका 15 dB हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जनरल फ्रीक्वेंसी गिवन है। जनरल फ्रीक्वेंसी बोले तो ये दिस इज विच इज द फ्रीक्वेंसी एफ, जो आपकी इंसर्शन लॉस, जहाँ पे आपका इंसर्शन लॉस होता है। ठीक है ना, इंसर्शन लॉस, तो ये फ्रीक्वेंसी आपकी क्या गिवन है, 3 GHz। क्लियर, और रिपल फैक्टर गिवन है यहाँ पे। ठीक है ना, इक्विरिपल गिवन है, तो यहाँ पे आपका जो तो यहाँ पे जो आपका RPL हो जाएगा, RPL इन dB वो है आपका 3 dB ये वाला। ठीक है ना, तो क्लियर, ये हमारे सब पैरामीटर आ गए। तो पहले हम ये पैरामीटर को यूज करके सबसे फर्स्ट जो भी गिवन है आपको क्या करना है, गामा निकालना है। तो गामा की वैल्यू क्या होती है, अभी हमारा यहाँ पे कौन सा है, किस टाइप का फिल्टर है आपको ये ध्यान देना है।
तो जो हमको फिल्टर यहाँ पे डिजाइन करना है, कौन सा फिल्टर डिजाइन करना है, टू डिजाइन लो पास, ठीक है ना। और लो पास में कौन सा है, इक्वी रिपल, ठीक है ना। ये हमारा क्वेश्चन है, क्लियर। तो सबसे पहले हम गामा निकालेंगे जो हमको आगे जरूरत पड़ने वाला है, तो उसकी वैल्यू होती है एफ अपॉन एफ सी, और ये आपके गिवन है, एफ क्या गिवन है, 3 गीगाहर्ट्ज अपॉन 2 गीगाहर्ट्ज। यहां पे हम गीगाहर्ट्ज नहीं लिखे तो भी चलता, लेकिन लिख देता हूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1.5, ठीक है। यहाँ पे आपका ओमेगा मिल गया 1.5। नेक्स्ट हम यहाँ पे सेकंड पैरामीटर वर्ड हम एक निकाल लेते हैं, पहले के, इसकी भी हमको जरूरत पड़ेगी के, ठीक है। तो के का जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है 10^RPL dB/10 or -1, क्लियर। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे 10 3 dB, ठीक है, 3 dB आपका गिवन है ये, अपॉन 10 and -1, ठीक है। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको जो आंसर आएगा 0.998, जबकि हमारा मैक्सिमम फ्लूइड जो बटरवर्थ होता था वहां पे के की वैल्यू हमारी कांस्टेंट हुआ करती थी 1, बट यहाँ पे हमको वैल्यू निकालनी पड़ रही है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये दोनों वैल्यू प्रॉब्लम आपको। अब हम स्टेप पे चलते हैं, स्टेप नंबर 1 हमारा फर्स्ट, स्टेप 1, क्लियर। सो स्टेप 1 में क्या होगा, सबसे फर्स्ट हम निकालेंगे ऑर्डर ऑफ फिल्टर, ठीक है। ये आपका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ फिल्टर n, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ फिल्टर में आपका जो फॉर्मूला रहेगा, दैट इज IL इक्वल्स टू 10 log इन ब्रैकेट 1 plus K² Tn² ऑफ ओमेगा, क्लियर। ये आपका क्या हो गया फ्रेंड्स, फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका, एक्सटेंशन लॉस का फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बेस पे हमने यहाँ पे हमको क्या निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे टेन की वैल्यू क्या होगी, Tn, ठीक है ना, वो भी मैं आपको लिख देता हूं। तो Tn वेयर Tn ऑफ ओमेगा इक्वल्स टू कॉस हाइपर कॉस इन ब्रैकेट n इन अगेन ब्रैकेट कॉस इनवर्स ऑफ ओमेगा अगेन ब्रैकेट क्लोज और दिस ब्रैकेट क्लोज इफ फॉर मोड ऑफ ओमेगा इज लेस देन एन वन। हम क्या यूज करेंगे, अगर गामा की वैल्यू लेस देन, जो हमको ओमेगा मिला, सॉरी ये ओमेगा की वैल्यू करें हमारी लेस देन वन है, तो हमको टी एन ऑफ ओमेगा की वैल्यू क्या यूज करनी है, ये वाली यूज करनी है। सेकंड चीज यहां पे, इफ कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स एन, इसको थोड़ा मैं ये वाला ब्रैकेट यूज करता हूं, ठीक है, देन कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ ओमेगा देन ब्रैकेट क्लोज एंड दिस इज फॉर इफ ओमेगा इज ग्रेटर देन वन, ठीक है ना। अगर आपका ओमेगा की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, अगर ओमेगा की वैल्यू लेस देन 1 है तो आपको ये वाला यूज करना है। तो यहाँ पे देखो, हमने ओमेगा की वैल्यू निकाली 1.5, यहाँ पे क्या है, ओमेगा से ग्रेट, मतलब ये ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना। तो ग्रेटर देन 1 तो हमको यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ये वाला यूज होगा, ठीक है ना, इस केस में, क्लियर। तो अब हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं इक्वेशन को, ये भी आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स, कंडीशंस ये भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज द अगेन इंपॉर्टेंट कंडीशंस। सो नेक्स्ट IL कितना गिवन है, 15, सो आई विल राइट हियर 15 10 log देन नेक्स्ट 1 plus then
के की वैल्यू क्या है 0.998 स्क्वायर, देन इनटू अभी यहां पे अपने को क्या लेना टी एन एम स्क्वायर, तो टी एन की वैल्यू क्या लेंगे हम, ये वाली वैल्यू लेंगे, कौन सा दिस वन, क्योंकि यहां पे ओमेगा की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन वन है, तो यहां पे इनटू इन ब्रैकेट कॉस हाइपरबोलिक, सॉरी दिस इज नॉट हाइपरबोलिक इनवर्स, हियर ओनली द कॉस हाइपरबोलिक एंड दिस इज हाइपरबोलिक इनसाइड द ब्रैकेट हाइपरबोलिक, ठीक है यहां पर थोड़ा करेक्शन कर लेना फॉर्मूले में, ठीक है कॉस हाइपरबोलिक इन ब्रैकेट एन देन अगेन कॉस हाइपरबोलिक, यहां पे ओमेगा की वैल्यू क्या है 1.5, तो वी विल राइट 1.5 देन ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर एंड ब्रैकेट, क्लियर। तो ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो थोड़ा सा फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला याद होने के बगैर आपको ये पॉसिबल नहीं है, अगर आप फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आपका क्या होगा इजी हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले आपको क्या करना है इस टेन को इस साइड लेके जाना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 1.5, फिर आप इस लॉग को क्या इधर शिफ्ट करोगे क्या हो जाएगा, जो भी इधर आपका आंसर आएगा उसका क्या हो जाएगा एंटी लॉग हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको करूं या फिर आप कर लोगे, मेरे ख्याल से मैं करूंगा तो काफी लेंदी हो जाएगा, मैंने किया हुआ है कैलसी में, आप लोग कर सकते हो, मुझे इतना डाउट नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ये एक्सपेक्ट करता हूँ आप कर लोगे। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया हुआ है कैलसी के अंदर, आप डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो कैलसी के अंदर, ठीक है। तो इसका जो आंसर है मैं आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, क्लियर। तो एन इक्वल्स टू 2.49 इसका आंसर आएगा, ठीक है ना, उसको मैं राउंड ऑफ करके 3 लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा एन की वैल्यू, क्योंकि वीडियो काफी लेंदी हो जाए, ये सब कैलसी की कैलकुलेशन है, तो ये आप कर सकते हो, मुझे नहीं लगता इतना यहाँ पे कुछ हार्ड है, ठीक है ना। अगर आपको लगता है तो मैं आपको यहाँ पे एक करके बता देता हूँ, एक मिनट आपको मैं, ठीक है, करके बता देता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, हाँ तो ये जो पूरा कैलकुलेशन देखो मैंने किया है, मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ, ठीक है ना। तो 15:10 लोग ये पूरा आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद 10 को इधर लेके गए तो 15/10 हो गया, फिर इस लॉग को इधर गया तो क्या हो गया एंटी लॉग है, इसका एंटी लॉग है तो हमको आंसर क्या मिला 31.623 मिला, फिर ये 1 इधर गया तो 31.263 माइनस किया तो हमको क्या मिला 30.623, फिर ये वैल्यू को यहाँ पे इधर लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया तो डिवाइड में गया तो उसका वैल्यू क्या आ गया, इसको डिवाइड किया तो हमको क्या मिला 30.746, फिर ये स्क्वायर है तो इसको इस साइड शिफ्ट किया क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो इसको हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमको क्या मिलेगा ये मिलेगा, फिर कॉस हाइपरबोलिक है तो इसको वापस कॉस हाइपरबोलिक इधर शिफ्ट करेंगे जाएगा कॉस इनवर्स हाइपरबोलिक हो जाएगा, ठीक है ना, कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स का क्या आएगा हमको ये आंसर आएगा, और इसका भी हम कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स का इसका आंसर निकाले ये आंसर आएगा, इसको इसे डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इससे हमको क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, ठीक है। तो अभी हमारा स्टेप नंबर 2 क्या रहेगा, स्टेप नंबर 2 कंपोनेंट वैल्यू फ्रॉम कोफिशिएंट टेबल, यहां पे हमको एक टेबल यूज करना है, ठीक है, और उस टेबल से हमको क्या निकालना है कोफिशिएंट की वैल्यू लिखना है, ठीक है। तो अभी यहां पे हमारा कोफिशिएंट हमको यहां पे पता चल गया कि एन की वैल्यू हमारी क्या है 3, ठीक है ना। तो मैं अभी आपको दिखाता हूं कैसे उस कोफिशिएंट की वैल्यू के लिए हम टेबल यूज करते हैं, तो बुक्स में मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूं, ठीक है। तो अभी यहां पे देखो ये क्या लिखा है, एलिमेंट्स वैल्यू फॉर इक्विलिपल लो पास फिल्टर प्रोटोटाइप, क्लियर, और एन की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक है 0.3 dB एंड 3.0 dB, ये 0.5 dB, अगर यहाँ पे 3 dB की जगह हमारा क्या होता 0.5 dB होता तो हम यहाँ पे एन इक्वल टू क्या है हमारा 3 आया ना हमारा, तो 3 की जगह हम ये लेते हैं, ये वाले कंपोनेंट्स लेते हैं, बट हमारा क्या है
यहाँ पे जो हम डिजाइन कर रहे हैं फेशियल देख लो क्या है, डिजाइन है 3 dB, ठीक है ना। ये आपका रिपल्स क्या है 3 dB का, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना है, 3 dB है तो ये वाला टेबल हम यूज करेंगे। अब ये टेबल यूज करेंगे जिसमें एन की वैल्यू क्या है, ये आपके एन इक्वल टू 3 आए, तो ये सब उसके क्या हो गए, कंपोनेंट्स हो गए, एलिमेंट्स, इसको अपन क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। तो G1 की वैल्यू क्या हो गई, 3.3487, G2 की वैल्यू क्या हो गई, 0.7117, G3 की वैल्यू क्या हो गई, 3.3487, और G4 की वैल्यू 1, और G net की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, आए समझ में। तो अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कैसे क्या है, ठीक है। सो नेक्स्ट अभी मैं वैल्यू को नोट डाउन कर लेता हूँ सिंपल, जैसा एज इट इज जो वैल्यू हमको मिला है, ठीक है ना। तो फर्स्ट हमारा जी नोट की वैल्यू हमारी 1 रही थी, उसको लिख देता हूँ खाली आपको समझने के लिए, ताकि हमको लिखना कहा है, G1 से लिखना है, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज नहीं होता, ये फिक्स रहता है, ठीक है, 1 ही रहता है यहाँ पे, ठीक है। हमारा वैल्यू जो गिवन है वो यहाँ से रहेगा 3.3487, फिर हमारा जो सेकंड वैल्यू आएगा G2 0.7117, G3 आएगा 3.3487, और G4 की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। इसको भी हमको यूज नहीं करना है, क्योंकि ये क्या होता है RG का मल्टीप्लायर होता है, तो RG into 1, तो वो क्या जो भी वैल्यू आएगा वो आपका RG- आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या है, लो पास फिल्टर है, तो हम फर्स्ट एलिमेंट्स, मैंने आपको बताया कि हम एलिमेंट कोई भी ले सकते हैं, सी भी ले सकते हैं, इंडिया एल भी ले सकते हैं, ठीक है ना। बट हम एक अपनी कंफ्यूजन हमको क्रिएट नहीं हो, एग्जाम हमको इजी रहे, उसके लिए मैंने क्या समझ के बना रखा है कि हम पहले जब भी लो पास रहेगा हम सी लेंगे, और हाई पास रहेगा तो हम एल से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो गया, C1 इक्वल टू 3.3487 फेराइड। सेकंड कंपोनेंट हमारा क्या हो गया, L2 इक्वल टू 0.7117 हेनरी, और नेक्स्ट हमारा क्या हो गया C3, ये हो गया 3.3487 फेराइड, ठीक है। और इसको हमको कंसिडर, ये हमारा क्या रहेगा, RG को मल्टी, ये हमारा G4 रहेगा, मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे इसका, ये इसको कंसिडर नहीं, ये हमारा इन इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये तो क्या होगा RG, मतलब जब हम RG- निकालेंगे, ठीक है ना, ये क्या रहेगा हमारा RG-, ठीक है। तो RG- में क्या होगा, G4 इंटू RG रहेगा, तो वहां पे तो हमारा RG की वैल्यू, G4 की वैल्यू क्या होगी, और RG की वैल्यू क्या है 50, तो वो क्या आ गया 50, तो ये हमारा डायरेक्ट निकल जाएगा उसके, ठीक है ना, मैं बता दिया हूँ, ठीक है, वही चीज है। बट अपने को ये तीनों इम्पोर्टेंट है, याद रखिए, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, ये स्टेप सबको याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है ना। स्टेप नंबर थ्री हम क्या करेंगे, अप्लाई इम्पीडेंस एंड फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मेशंस ठीक है, अप्लाई फ्रीक्वेंसी एंड इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ओमेगा सी इक्वल टू क्या था, 2 into pi into fc, और 2 into pi into fc की वैल्यू क्या, हमारी fc कितना, हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या गिवन थी, देख लेते हैं, हम भूल गए हो तो याद नहीं, तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारी जो थी 2 GHz, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 2 GHz ले लेंगे, 2 GHz, 2 into pi into 2 into 10 raise to 9 GHz, मतलब 10 raise to 9, और हमको यहाँ पे जो आंसर मिल जाएगा फाइनली, वो मिल जाएगा 12.57 10 raise to 9, क्लियर। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, सबसे फर्स्ट जो कंपोनेंट है तो उसका हम क्या निकालेंगे। अब मैंने यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इम्पीडेंस एंड फ्रीक्वेंसी दोनों साथ में अप्लाई कर रहा हूँ, अलग अलग है, क्योंकि एक अननेसेसरी स्टेप बढ़ जाता है या फिर इसको बहुत लेंथी हो जाता है तो एग्जाम में हमारा टाइम कंज्यूम हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं इसको अलग अलग सेपरेट अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हम डिवाइड करते हैं, और ठीक है ना, और इम्पीडेंस हम क्या होगा, अगर कैपेसिटर वाला का एलिमेंट रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, उससे जो हमारा RG इम्पीडेंस है उससे हम डिवाइड करेंगे, और इंडक्टर रहेगा तो उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। लॉजिक यही है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस दोनों टर्म्स को मैं मिक्स करके अगर मैं लिखता हूँ फॉर्मूला, तो C1 इक्वल टू क्या जाएगा, C1 हो जाएगा ये, और C1 अपॉन, अब देखो अगर ये मान लो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करूंगा तो मैं इसको क्या करूंगा, सिंपल ωc से डिवाइड कर दूं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्म। अब मुझे यहाँ पे इम्पीडेंस करना है, अगर ये कौन सा एलिमेंट है, कैपेसिटी एलिमेंट है,
तो मैं आरजे से यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर दूंगा। अगर ये एलिमेंट क्या होता, इंडक्टिव होता, तो आरजे से क्या करता मैं मल्टीप्लाई करता। ठीक है, समझ में आ गया, फॉर्मूला ऐसा है। ठीक है, तो सी वन की वैल्यू क्या हमारी 3.3487। आप तो ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सीधा आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। 50 इंटू और कट ऑफ 12.57 इंटू 10^9। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, कैल्सियम हमको क्या मिलेगा, 5.33 इंटू 10^-12। और इसी को हम क्या बोलेंगे, ये जो हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर, सी वन डेज इक्वल्स टू 5.33 पिको फेराड। ठीक है, ये आपका क्या गया, सी वन डेज आ गया। देन हम निकालेंगे नेक्स्ट हमारा एल टू डेज। एल टू डेज में क्या होगा, सेम एल टू। ठीक है, अभी हमारा यहां था कि हमने क्या निकाला था, एल टू निकाला नहीं है, एल टू अपॉन, अब देखो मैं क्या बोला, अभी फ्रीक्वेंसी चाहिए ओमेगा सी से डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, और अगर इम्पीडेंस ट्रांसफर करना तो आरजे से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये बन गया फॉर्मूला, और क्या है। ठीक है ना, उसके बाद L2 की वैल्यू क्या है, 0.7117 इंटू RG कितना है 50 और ओमेगा सी 12.57 इंटू 10^9। क्लियर, तो अभी इसको आगे नेक्स्ट सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 2.83 इंटू 10^-9। तो ये हमारा जो आंसर आएगा 2.83, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, L2 डैश 2.83 नैनो हेनरी। क्लियर, नेक्स्ट अभी हमारा C3 डैश, तो C3 क्या हो जाएगा, C3 अपॉन RG अपॉन ओमेगा C, और C3 की वैल्यू 3.3487, RG 50 है, ओमेगा C 12.57 इंटू 10^-9 जस्ट मिनट प्लस 9 ही रहेगा सर, गीगा टेन एस टू नाइन। क्लियर, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5.33 इंटू 10^-12 और ये आ जाएगा C3' इक्वल्स टू 5.33 पिको फेराड। क्लियर, और हमको नेक्स्ट चाहिए आरजे डेस, जो मैंने आपको बताया था आरजे डेस इक्वल टू क्या रहेगा आपका। ठीक है ना, तो आरजे डेस को अगर निकालना है तो आरजे क्या होगा, G4 इंटू आरजी, जो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया हूँ, ये हमारा क्या आ गया 1 इंटू 50, तो ये हम क्या मिल 50। ठीक है, इसमें इतना उलझना नहीं आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। ठीक है, क्लियर 50। उसके बाद नेक्स्ट पहुंच जाते हैं, ठीक है, ये आरजेडी से हमारा आरएल भी होता है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, लोड साइड भी हो जाता है। क्लियर, नेक्स्ट हम स्टेप नंबर, अभी हमारा ये हो गया स्टेप 3 हो गया, अब हमारा लास्ट स्टेप नंबर 4 फाइनल सर्किट। ठीक है ना, तो इसके पीछे मैं ड्रॉ कर देता हूं स्टेप नंबर। ठीक है, फाइनल सर्किट लो पास फिल्टर। ठीक है ना, तो ये आपका सोर्स साइड इधर आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस इसको हम वीजी बोल देंगे, ये हमारा रेजिस्टेंस आरजी जिसकी वैल्यू हमारी 50 ओम है। देन फर्स्ट एलिमेंट हमारा सी डेस, तो हम सी डेस से स्टार्ट करेंगे, ये हमारा सी डेज, और सी डेज की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5.33 पिको फेराड। एंड नेक्स्ट एलिमेंट इंडक्टर, ये हमारा एल टू डेज, तो इसकी जो हमको वैल्यू मिली 2.83
83 नैनो हेनरी। देन नेक्स्ट C3 डैश, इसकी वैल्यू हमारे पास 5.3 पिको फेराड। और लास्ट ये हो गया हमारा RL, उसकी वैल्यू हमारे पास 50। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सर्किट फाइनल। तो फ्रेंड्स, एक्सपेक्ट करता हूँ कि प्रॉब्लम मैंने पूरा ट्राई किया है आपको अच्छे से समझाने का, समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। और जिसको वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, कम से कम आपकी तरफ से इतना वीडियो को शेयर करो कि उसको 1000 लाइक्स मिल जाए। ठीक है, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है ना, आपकी तरफ से। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि आपको आगे से आगे वीडियो मिलते रहेंगे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोड होते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। थैंक यू नरेश जोशी।